नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, एड़ियों में हो कैसा भी दर्द 5 मिनट में ठीक कर देंगे ये 5 आसान से घरेलू उपाय। आइए जानते हैं इसके बारे में। रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार हमारे पैरों और एड़ियों में दर्द की समस्या हो जाती है। इस दर्द के कारण चलना फिरना मुहाल हो जाता है। ये दर्द कई बार तलवों के आखिरी हिस्से में होता है और कई बार तलवों के ऊपर की तरफ। आमतौर पर यह दर्द सुबह बहुत तेज होता है। एड़ी के दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई चोट, नसों में खिंचाव, पैरों में फ्रैक्चर, नसों में चुभन इत्यादि। इसके अलावा आपका मोटापा या गलत जूतों और मोजों का चुनाव भी दर्द की वजह हो सकता है। ये हैं कुछ आसान से घरेलू उपाय और नुस्खे जिनकी मदद से आप इससे राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बर्फ की सिकाई के बारे में जानते हैं। एड़ियों के दर्द में बर्फ की सिकाई से राहत पाई जा सकती है। बर्फ की ठंडे प्रभाव से मांसपेशियों में खिंचाव के कारण या नसों पर दबाव के कारण होने वाले दर्द और सूजन दोनों से राहत मिलती है। इसकी सिकाई के लिए बर्फ के टुकड़ों को किसी प्लास्टिक बैग में या कपड़े में भर लें और फिर इसे दर्द वाली जगह पर रगड़ें। इसके अलावा पानी के बोतल को फ्रीज करके भी दर्द वाली जगह पर सिकाई कर सकते हैं। 15 मिनट की सिकाई इसके लिए पर्याप्त होती है। तिल की मालिश दर्द से राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका मसाज है। इससे दर्द से तुरंत राहत मिलती है। मसाज करने से मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। इसके लिए जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल इत्यादि लेकर के दर्द वाली जगह पर थोड़ा सा लगाएं और फिर मसाज करें। दिन में 3 बार 10-10 मिनट की मसाज करने से दर्द ठीक हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग के द्वारा भी एड़ियों और तलवों के सामान्य दर्द से राहत पाई जा सकती है। इसके लिए नंगे पांव दीवार के पास खड़े हो जाएं। अब दीवार का सहारा लेकर के अपने एड़ियों के सहारे खड़े हो जाएं और शरीर के वजन को ऊपर की तरफ खींचें। इसी स्थिति में दीवार को हाथों से धक्का दें और दबाव बनाएं। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से एड़ियों के दर्द से आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। हल्दी का प्रयोग करें। जी हाँ, हल्दी को पुराने समय से दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है। हल्दी में एक खास तत्व होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये तत्व दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। इसके लिए 1 गिलास दूध में 1/2 चम्मच हल्दी डालें और इसे 5 मिनट हल्की आंच पर गर्म करें। अब इस दूध में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसे पी लें। एड़ी ही नहीं, ये दूध शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द से राहत दिलाने में कारगर सिद्ध होंगे आप सभी के लिए। इसके अलावा सेंधा नमक और पानी, नमक पानी भी एड़ियों और तलवों के दर्द में बहुत कारगर नुस्खा है। इसके लिए किसी बड़े बर्तन में गुनगुना पानी भर लें और इसे 2 चम्मच सेंधा नमक मिला लें। अगर सेंधा नमक नहीं है तो सामान्य नमक भी ले सकते हैं। इससे पानी में नमक मिलाने के बाद पैरों को इस पानी में डाल लें और 15 से 20 मिनट तक पैरों को सीझने दें। सेंधा नमक में मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट दर्द और सूजन से आसानी से राहत दिलाता है। 20 मिनट बाद पैरों को सामान्य पानी से धुल करके इस पर मॉइस्चराइजर लगा लें। आपके लिए ये लाभकारी प्रयोग होगा। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी, एड़ियों के दर्द से निजात पा सकेंगे। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।